सिलाई सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द। सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। बनाएंगे टेबल मैट। टेबल मैट बनाने के लिए हमने ऊन यूज़ करेंगे। उसमें हम बोरी लेंगे और एक छोटा पीस कपड़े का लेंगे। बोरी आप जितना बड़ा बनाना चाहें उसके हिसाब से जो है आपको बोरी का ये पीस चाहिए। गेहूँ की, चावल की, जो भी आपके पास हो इस तरीके से आप बोरी का यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले जो है हम ये पीस लेंगे। इसको जो है हम सीधा राइट साइड हम इसको रखेंगे, यहाँ पर ये नहीं रखेंगे, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए इस तरीके से जो है ये मैंने छोटा पीस लिया। आप बड़ा भी आप इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बॉर्डर बनाऊँगी। बॉर्डर बनाने के लिए मैं ये पीस यूज़ करूँगी। इसमें मैं 2 इंच की जो है वो स्ट्रिप काटूँगी। यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और पूरी स्ट्रिप जो है वो हम काट लेंगे। ये स्ट्रिप जो है ये हमने काट ली है। अब हम इस पीस को लेंगे, ये हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे। इस पीस को हम सीधा रखेंगे इस तरफ से और इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हम एक स्टिच लगाएंगे पूरे इस पर। ऐसे स्टिच करने के बाद इसको कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ऐसे करेंगे, इसको भी यहाँ से करेंगे और इसको यहाँ से। इस तरीके से हम जो है इसको पूरा बॉर्डर जो है हम बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर हमने बना लिया है। ये इसका राइट साइड रहेगा, ये इसका रॉन्ग साइड रहेगा। अब हम बनाएंगे फ्लावर। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसको हम 10 बार जो है इसको लपेटेंगे। 2 बार हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब ये आपके ऊपर है, ये आप जो है कितना फ्लावर जो है हैवी बनाना चाहते हैं तो आप जो है इसको 10 से ज़्यादा भी आप इसको रैप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बनेगा। सेम ऐसे ही इसको हम बनाएंगे। इसको धागे को हम एक्स्ट्रा काटेंगे, इसको यहाँ से पकड़ लेंगे, ये वाला भी लेंगे और इन दोनों को एक साथ इस तरीके से हम रखेंगे। ये अब इसमें से एक धागा कोई भी आप ले लीजिए, उसको इस तरीके से हम लपेटेंगे। ये ऐसे ऐसे होने के बाद जो है ये वाले धागे को हम गोल घुमाएंगे, ये ऐसे, और इसके बीच में से निकालेंगे और इसको हम खींच देंगे। फिर ऐसे करेंगे, दूसरे वाले धागे को लेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे और ये ऐसे कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से अब इनको जो है एक साथ अलग से लपेटेंगे। ये ऐसे फिर ऐसे करेंगे इसको और घुमाएंगे इसको और इस नीचे से खींच देंगे। ये ऐसे इस तरीके से ये जो है हमारा फ्लावर ये बन जाएगा। ये धागे जो है हमारे यहाँ पर इसमें बच जाएंगे। ऐसे फ्लावर जो है ये हम बना चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 फ्लावर जो है ये इस तरीके से मैं पहले बना चुकी हूँ। ये देखिए और ये। अब हमने इसमें डिज़ाइन जो बनाना है, आप कोई भी डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं। तो हम जो है इसको इस तरीके से बनाएंगे, इस यहाँ ऐसे रखेंगे। ये देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे, फिर आप कोई भी कलर से फ्लावर जो है वो बनाएंगे, उसको हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए ये हम ऐसे रखेंगे। ऐसे ही हम दूसरे कलर के रखेंगे और इन्हें लगाते जाएंगे। लगाने के लिए हमने क्या करना है, ये देखिए, जैसे हमारा ये धागा हमने जो छोड़ा है, इन धागों को दोनों को एक साथ जो है हम नीचे की तरफ करेंगे। सबसे पहले जो है हम इस पर निशान लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम एक सीधा निशान लगा लेते हैं आइडिया के लिए। सिर्फ यहाँ पर ये हमने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद एक सेफ्टी पिन लेंगे। सेफ्टी पिन में हम ये जो है ऊन को इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए ऐसे, और अब ये सेफ्टी पिन जो है इसके बीच में हम इस तरीके से डालेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया है, और इसको हम नीचे से खींच देंगे।
ये देखिए ऐसे इसको करेंगे। और अब यहाँ से जो है हम नॉट लगा देंगे दोनों को एक साथ, तब हम दूसरा फ्लावर लगाएंगे तो इसको हम इसके साथ में नॉट लगाकर फिक्स कर देंगे। ऐसे ही ये देखिए निडल में डालेंगे, सॉरी सेफ्टी पिन में हम इसको डालेंगे, इसको ऐसे लेंगे, या तो आप इसको इस तरीके से ले लीजिए या फिर आप इसको इस तरीके से ले लिए, दोनों साइड से जो है ये चला जाएगा। तो ये देखिए हम इसको जो है यहाँ से ले लेंगे, ये देखिए अंदर के साइड से, और अब हम इसको यहाँ से खींच देंगे। ये देखिए, और यहाँ पर ये जो है अब हम इसके साथ में जो है ये नॉट लगा देंगे दोनों को एक साथ। ये देखिए ये ऐसे नॉट लगा देंगे एक दूसरे के साथ, और फिर बाद में जो है हम इसकी कटिंग कर देंगे, इसको हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेबल मैट बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे जो है पूरा भी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से जैसे मैंने एक एक फ्लावर इधर लगाया आप वो भी बना सकते हैं। इस फ्लावर को बनाने के लिए मैंने 20 बार अब इसको मैंने लपेटा है और ये मैंने फ्लावर बड़ा बनाया है। अब ये देखिए, आपके पास कोई बटन हो, कोई स्टोन हो, मोती हो, जो भी आपके पास हो, आप इसको डेकोरेट और करने के लिए आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। ये ऐसे आप इन सभी फूलों पर भी लगा सकते हैं, और बीच बीच में भी आप कहीं कहीं आप जो है इसको लगा सकते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लगता है और जल्दी बनता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।